ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಿ ಸ್ಲೈಡ್ ನಜರ್ ಆ ರೀ ಆಪ್ಕೋ ಬಟ್ 2020 एंड 2021 के लिए आपका सिलेबस में से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिड्यूस कर दिया गया है तो आज वी हैव सीन दैट देन डिस्कस अबाउट द टुडेज टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसल्टेड यू टू द सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड कंसल्टेड यू द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स देन नेक्स्ट स्लाइड ये है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स है फॉर एग्जांपल बड़ी मैं आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल सेल यानी कि जो पेरेंट सेल होते हैं उसी से न्यू कॉपीज यानी कि डुप्लीकेट न्यू कॉपीज बनती है फ्रॉम द डिवाइडेशन एंड सेल से तो आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हम आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी द एनिमल एक्सहिबिट द वेरियस टाइप्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्विंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विच इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ये होता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू गैमेट्स फर्स्ट इज द मेल गैमेट्स एंड सेकेंड वन इज द फीमेल गैमेट तो फर्स्ट इज द मेल गैमेट्स एंड सेकेंड इज द फीमेल गैमेट दे कैन गेट फ्यूज एंड डिप्लॉइड जायगोट यानी कि टू एंड फॉर्म होता है देन दे कैन गेट न्यू और प्रोसेस होती है उसमें और न्यू ऑफस्प्रिंग यानी कि न्यू कुछ ऑफस्प्रिंग मिलेंगे अपने को तो वो देखेंगे देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है फ्यूजन ऑफ गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स फॉर्मेशन
गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें, कौन से इसमें, प्री फर्टिलाइजेशन में। तो वहां पे क्या होता है, जब सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि गैमेट मेल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट्स, ये सबसे पहले हम लोगों ने उसको पढ़ा था कि सबसे पहले मेल गैमेट्स फॉर्म हुआ था, फीमेल गैमेट्स फॉर्म होता था। तो वो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन में आएंगे सबसे पहले, देन बाद में जब गैमेट्स फॉर्म होंगे तो अभी उन दोनों को पास आना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो आएगा फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन। यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन मींस जो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स वो दोनों भी अगर पास में आएंगे तो उसका फ्यूजन होगा एंड दे कैन गेट अ डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म होगा। क्या होगा, डिप्लॉइड जायगोट, यानी कि 2N, इसको कहेंगे हम 2N, हम ऑलरेडी सेक्सुअल सॉरी रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ चुके हैं, देन 2N डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म होगा, इजंट इट। तो ये आएगा अपना फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट में वो जायगोट फॉर्म करेगा। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, जब वो फ्यूजन होगा तो जायगोट फॉर्म होगा, इजंट इट। तो जायगोट फॉर्म होने के बाद उसमें मल्टीपल मेटोटिकली डिवीजन होते जाएगा, तो जैसे ही मेटोटिकली डिवीजन हो जाएगा दे कैन गेट टू फॉर्म इज द एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्म होगा। एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद वहां पे जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ह्यूमन बीइंग में न्यू बेबी बर्थ होगा या फिर प्लांट में सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट होगी, इजंट इट। तो यहां पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ओके। तो यहां तक की प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट यानी कि लास्ट वाली जो इवेंट्स होती है वो होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देन सेकंड, वेरियस ब्रीडर्स पैटर्न, जो वेरियस ब्रीडर्स पैटर्न्स क्या होता है कि जो ब्रीडर्स होते हैं यानी कि जो पर्सन हो या फिर एनिमल्स उसको हम ब्रीडर्स कहते हैं, तो वो ब्रीडर्स का जो सीजनेबल ब्रीडिंग्स हो या फिर जो ब्रीडर्स होते हैं उनकी जो डिलीवरी पीरियड्स होती है वो सम लाइक्स द गोट शीप्स डोंकी एक्सेट्रा। देन सीजनल ब्रीडिंग्स यानी कि जो द डिलीवरी यानी कि प्रेगनेंसी वाला जो मंथ होता है, प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में 9th मंथ का होता है, तो यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली ब्रीडर्स होता है। तो सीजनल ब्रीडिंग में क्या होता है, सम लाइक गोट शीप एंड डोंकी, तो इसमें क्या होता है कि कुछ सीजन ही ऐसे होते हैं, जैसे फ्लावरिंग में कुछ सीजन में ही फ्लावर आते हैं, तो सेम एज इट इज सीजनल ब्रीडिंग, यानी कि कुछ सीजन में ही ये बच्चे डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन कंटिन्यूअसली ब्रीडर्स में क्या होता है, ह्यूमन एंड एपिस दे कैन द ब्रीडर्स थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ईयर टू ईयर पर ईयर वो न्यू बेबी बर्थ कर सकते हैं, उसकी प्रेगनेंसी आ सकती है उनको, वो होता है ह्यूमन बीइंग एंड एपिस, इजंट इट। देन नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद जो डेवलपमेंट होगा बेबी, इजंट इट दिस पिक्चर्स। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होगा, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो जनरल ओवरव्यू है ये, जनरल ओवरव्यू है, या डीपली हम वन बाय वन जैसे स्टेप आगे चलती जाएगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि ये क्या चीज है, यानी कि इम्प्लांटेशन क्या है, विविपेरिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस क्या है, इंसेमिनेशन क्या है, ये जो टाइप्स है, ये टॉपिक्स है, ये हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ते जाएंगे आगे, बट ये ओवरव्यू में थोड़ा सा आपको समझा दे रही हूँ, थोड़ा सा इंट्रो है। दिस सेक्सुअल यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मैंने अभी कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, एंड दे कैन गेट फॉर्म द जायगोट एंड दे कैन गेट फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देन विविपेरिस में क्या होता है, यूज्ड टू गिव बर्थ दैट इज इन यंग बर्ड्स, विविपेरिस यूज्ड टू गिव बर्थ दैट इज इन यंग बर्ड्स, यानी कि डायरेक्टली जो बेबी को बर्थ यानी कि डायरेक्टली उनका जन्म होगा वो आएंगे विविपेरिस में, ऐसे एनिमल्स कैसे कहाँ पे आएंगे, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग, सारे के सारे ह्यूमन बींग और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो विविपेरिस में आएंगे। और इसका जो नेक्स्ट टाइप जो है ओविपेरिस जिसको कहेंगे, वो ओविपेरिस में क्या होता है कि जो एग के थ्रू बर्थ होता है बेबी का, एग यानी कि अंडा जिसको बोलेंगे हम, जो एग के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल हेन हो या डक हो, ये जो है वो एग के थ्रू बेबी को बर्थ देंगे, तो ऐसे जो एनिमल्स है वो ओविपेरिस में आएंगे। बट यहाँ पे विविपेरिस जो है यूज टू गिव बर्थ यानी कि डायरेक्टली जो बेबी को बर्थ देते हैं आफ्टर डिलीवरी देते हैं उसको कहेंगे हम विविपेरिस। देन नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स,
गैमेटोजेनेसिस मैंने अभी कहा था कि गैमेटोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स दोनों भी डेवलपमेंट हो जाएगा, दे कैन गेट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देन इनसेमिनेशन में क्या होता है, इट इज द इंसर्शन ऑफ स्पर्म इन अ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस तो हो गया यानी कि फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स दोनों का भी डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे, बट अभी उनको फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों को फ्यूज होना एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज द इंसर्शन, इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि इंसर्शन जो स्पर्म होते हैं वो एंट्री करते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक में, विच इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन, इजंट इट। देन नेक्स्ट वन है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मोरूला ब्रास्टुला ब्रास्टुला। देन आफ्टर द जायगोटा डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन मीन आफ्टर जायगोटा डेवलपमेंट यानी कि फ्यूजन हुआ है, यहाँ पे क्या देखो इंसेमिनेशन यानी कि वो इंसर्शन एंट्री कर चुका है स्पर्म, बाद में जो जायगोट बनेगा जायगोट के बाद जो डेवलपमेंट आएगी बॉडी में जो सेल से डेवलपमेंट करेगा दिस इज द मोरूला ब्रास्टुला एंड ब्रास्टुला, isn't it? तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ब्रास्टुला देखते हैं, तो दिस इज द फीमेल जेनिटल ट्रैक, ओके। तो यहाँ पे जायगोट फॉर्म हो चुका है, स्पर्म की एंट्री तो हो चुकी है, बट यहाँ पे जायगोट फॉर्म हो चुका है आफ्टर स्पर्म एंट्री के बाद, ओके। यहाँ पे जायगोट फॉर्म होने के बाद ये जो जायगोट है ये यूरिनरी ट्रैक को अटैच करेगा, ये यूरिनरी ट्रैक को एम्बेडेड करेगा यानी कि कुछ उसका जो कुछ पार्ट है वो उसको एम्बेडेड करेगा यूरिनरी वॉल को, यूरिनरी ट्रैक को, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक जो वहां पे यूरिनरी वॉल रहेगी उसको वो एम्बेडेड करेगा, विच इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, विच इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। देन गैस्ट्रेशन, देन नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्रेशन, इज द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके पहले वन बाय वन इम्प्लांटेशन हो गया, वहां पे ग्रास्टुला ब्रास्टुला फॉर्म हो गया, अब बारी है एम्ब्रियो की, अब किसकी बारी है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, जायगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा, बट बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रास्टुला एंड ब्रास्टुला, इसके प्रोसेस के थ्रू ही वो एम्ब्रियो फॉर्म होगा, दिस इज द गैस्ट्रेशन। जब एम्ब्रियो टोटली फॉर्म हो जाएगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे गैस्ट्रेशन, isn't it? And then last process है अपनी parturation, last process आएगी human being में parturation की, parturation यानी कि delivery of a baby, delivery means not a Flipkart not a Amazon but human being की delivery है क्योंकि उसको new baby birth है, new baby को birth करना है, वो आएगा parturation में, उस स्टेज को जब डिलीवरी पीरियड आएगा उस स्टेज को हम कहेंगे पार्चुरेशन। ये होता है ह्यूमन बीइंग की प्रोसेस, इजंट इट। तो हम शॉर्ट में फिर से रिपीट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, बीबी पेरस यानी कि जो डायरेक्टली बर्थ करेंगे बेबी को, दिस इज द बीबी पेरस एंड गैमेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो चुके हैं। देन इंसर्शन, जब फॉर्म होने के बाद जो जेनेटल फीमेल जेनेटल ट्रैक में स्पर्म एंट्री करेगा दैट इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन, insemination, then implantation, then after the sperm entry होने के बाद जो zygote form होगा, zygote के बाद कुछ वो development करेगा stages, morula, crustula and brastula, brastula क्या करेगा, वो zygote, brastula stage जो होगी वो urinary tract होगा, female genital tract है, वहाँ पे uterine wall है, urinary wall, वहाँ पे वो zygote पूरी तरह से आधा तक embedded करेगा, which is called the blasto, which is the blastula. Then last second one is the gestation. It is the period of embryonic development. आपको पता ही है कि embryo क्या चीज़ है, right? तो embryo form होगा. Then parturation, last stage of the human reproduction stage, parturation, delivery of a baby. तो वो last में क्या होगा? Baby birth होगा after delivery. Okay? ये हो गया आपका overview human reproduction, isn't it? देन आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।